हेलो ऑल, आज हम लोग ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमने हमारे आगे के तीन चार वीडियोस में लंग्स की सारी डिटेल पढ़ी थी। लंग्स, उसके लोब्स, फिशर्स, रूट ऑफ लंग, ब्रोंकियल ट्री हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ब्रोंकियल ट्री में कैसे ट्रेकिया डिवाइड करता है इंटू टू प्रिंसिपल ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकस, फिर अकॉर्डिंग टू द लोब्स लोबार ब्रोंकस, और फिर लोबार ब्रोंकस जो है वो टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकस में डिवाइड होके फाइनली फर्दर डिविजन्स होकर अल्टीमेटली अल्वियोलाई में एंड टर्मिनेट होता है। और इस तरह से हमने पूरा ब्रोंकियल ट्री समझा था लास्ट वीडियो में, और उसी में मैंने ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में भी शॉर्ट में बताया था। तो आज हम इसी को, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स को, डिटेल में समझेंगे। तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, क्या बताता है? सेगमेंट्स, सेगमेंट्स मतलब डिविजन्स। तो देर आर टोटल 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स इन योर लंग्स, राइट एज वेल एज इन योर लेफ्ट लंग। तो ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होती क्या है? तो जब हम नेकेड आई से देखते हैं, ग्रॉसली देखते हैं लंग्स को, तो लंग्स सिर्फ लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। राइट लंग को हमने देखा कि राइट लंग दो तीन लोब्स में डिवाइडेड है बाई टू फिशर्स, ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर जो है वो हमारे राइट लोब को तीन लोब्स में, राइट लंग को तीन लोब्स में डिवाइड करता है, अपर, मिडिल और लोअर। और हमारा जो लेफ्ट लंग है वो दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, अपर एंड लोअर बाय अ ऑब्लिक फिशर। तो ग्रॉसली हमको लंग्स दिखते हैं कि सिर्फ लोब्स में डिवाइडेड है, लेकिन अगर उसको डेप्थ में देखते हैं, एनाटॉमिकली देखते हैं, तो ये जो लंग्स है सिर्फ लोब्स में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि जो लंग्स है वो और छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। स्मॉलर डिविजन्स ऑफ योर लंग्स इंटू स्मॉलर यूनिट्स और सेगमेंट्स कॉल्ड ब्रोंकोस पल्मोनरी सेगमेंट्स। ये 10 ब्रोंकोस पल्मोनरी सेगमेंट्स राइट लंग में होते हैं और 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स लेफ्ट लंग में होते हैं। और हर एक ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट का अपना सेगमेंटल ब्रोंकस होता है। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था, ब्रोंकियल ट्री वाले डायग्राम में, कि कैसे ट्रेकिया डिवाइड करता है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। और जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वापस तीन लोब्स के लिए लोबार ब्रोंकस में डिवाइड होता है, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस दो ही लोब्स में डिवाइड होता है, दो ही लोबार ब्रोंकस होता है, अपर लोबार ब्रोंकस एंड लोअर लोबार ब्रोंकस। अब ये जो लोबार ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड करते हैं सेगमेंटल ब्रोंकस में, और ये 10 होते हैं राइट साइडेड में और 10 होते हैं लेफ्ट साइडेड में। जो अपर वाला है वो तीन सेगमेंटल ब्रोंकस में, मिडिल वाला दो सेगमेंटल ब्रोंकस, 5, और लास्ट वाला लोअर लोबार ब्रोंकस है वो 5, 5 सेगमेंटल ब्रोंकस में डिवाइड होता है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेगमेंटल ब्रोंकस बनाता है ये प्रिंसिपल ब्रोंकस। और ये एक एक सेगमेंटल ब्रोंकस जाते हैं लंग्स के एक एक सेगमेंट में, सेगमेंट में। तो हर सेगमेंटल ब्रोंकस एरेट्स, और एवरी सेगमेंटल ब्रोंकस एरेट्स सिंगल ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। तो 10 ब्रोंको पल्मोनरी 10 सेगमेंटल ब्रोंकस एरेट्स 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स ऑफ योर लंग्स। तो ये जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स है उसको हमें लर्न करना है, उसको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, तो आपको उसको नाम देने हैं, नेम देने हैं। हर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के कुछ नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमिकल पोजीशंस। तो राइट लंग में भी 10 है, लेफ्ट लंग में भी 10 है। इसको हम इस टेबल से अगर समझते हैं तो राइट लंग विच इज डिवाइडेड इन टू 3 लोब्स, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, अपर लोब एंड लोअर लोब। तो
जो अपर लोब है ये जो है अब वापस तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसका नाम है अपाइकल, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर। अपाइकल क्योंकि वो सबसे ऊपर है, अपेक्स में है। मैं उस डायग्राम में भी वापस सारे सेगमेंट्स दिखाऊंगी, अभी हम सिर्फ इसके नेमिंग्स लर्न करते हैं। पहला जो अपर लोब का सेगमेंट है सबसे ऊपर, दैट इज अपाइकल। फिर सेकेंड इज पोस्टीरियर, जो थोड़ा पीछे की तरफ ज्यादा दिखता है, आगे बहुत ही कम दिखता है। एंड थर्ड इज एंटीरियर सेगमेंट, ये है अपर लोब के तीन सेगमेंट्स। मिडिल लोब में आ जाते हैं लैटरल एंड मीडियल सेगमेंट, लैटरल सेगमेंट एंड मीडियल सेगमेंट। इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, ए अपाइकल का ए, पोस्टीरियर का पी, एंटीरियर का वापस ए, लैटरल का एल और मीडियल का एम। ए पाम, पाम होता है ना, पाम ट्री कैसा होता है, तो अ पाम के निमोनिक से आप इनको लर्न कर सकते हैं। जो लोअर लोब है हमारी, लोअर लोब जो है इज अगेन डिवाइडेड इनटू फाइव सेगमेंट्स, सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। सुपीरियर क्योंकि वो थोड़ा, बेसल इसलिए वर्ड ऐड किया गया है कि क्योंकि ये सारे ये वाले जो लोब्स है ये नीचे की तरफ है, लंग्स में बेस की तरफ है, तो बेस में जो सबसे ऊपर है उसको सुपीरियर बेसल बोलेंगे। उसके बाद मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो इसका निमोनिक है स्मॉल, अ स्मॉल। तो स्मॉल में पीछे एल की बजाय पी डालना है। इसको याद करने का तरीका क्या है, अ पाम स्मॉल, ए फॉर अपाइकल, पी ए पोस्टीरियर एंटीरियर, एल एम लैटरल मीडियल। और जो लोअर लोब है उसका निमोनिक है स्मॉल, छोटा सा स्मॉल। तो एस एम ए एल के बाद आपको पी डाल देना है, स्मॉल प। सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। क्योंकि मीडियल ऊपर भी हो गया, एंटीरियर ऊपर भी हो गया, लैटरल पोस्टीरियर ऊपर भी हो गए, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि एनाटॉमी में हम नेमिंग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, कहाँ पोजीशन है, इस तरह से देते हैं। तो इसमें ये सारे जितने भी है बेज एरिया में है, इसलिए साथ में बेसल लग गया है, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। वैसे ही अगर हम लेफ्ट लंग में आ जाते हैं, तो लेफ्ट लंग में हमने देखा कि सिर्फ दो ही लोब्स है, अपर लोब और लोअर लोब, लेकिन सेगमेंट्स वही 10 सेगमेंट्स है इवन इन द लेफ्ट लोब। तो यहाँ पर सेगमेंट्स कैसे हैं, तो अपर लोब को हमने हमारे लर्निंग पर्पस से अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में डिवाइड कर दिया। तो अपर लोब में जो अपर डिवीजन है उसमें वापस तीन सेगमेंट्स है सेम, जो वहां थे, अपाइकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, ए पी ए, जैसे वहां थे। इसी अपर लोब के लोअर डिवीजन में यहां पर चेंजेस आ जाते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट जो है वहां पर था लैटरल और मीडियल, यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, सुपीरियर लिंग्यूलर एंड इंफीरियर लिंग्यूलर। इस फिगर में देखे तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज सुपीरियर लिंग्यूलर फोर्थ एंड दिस इज इंफीरियर लिंग्यूलर। लिंग्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं लिंग्यूला। लिंग्यूला इज अ टंग शेप, लिंग्यूला वर्ड इज यूज फॉर टंग। तो लिंग्यूला यहाँ पर है, लिंग्यूला शेप का, टंग शेप का ये प्रोजेक्शन, इसलिए यहाँ की जो सेगमेंट्स है उसका नाम दे दिया गया है सुपीरियर लिंग्यूलर एंड इंफीरियर लिंग्यूलर। और इसका जो लोअर लोब है लेफ्ट लंग का, इसमें वापस वही पांच सेगमेंट्स है जो हमारे राइट लंग के लोअर लोब में थे, स्मॉल, एस एम ए एल पी, सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स बहुत ही इजी है अगर हम इसको इस तरह से याद कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है, राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लोब्स होते हैं। और सेकेंड डिफरेंस क्या है, सेकेंड डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये रन कर रहा है ए पाम स्मॉल,
और यहां पे क्या करेगा ये, एपीए तो रहेगा लेकिन एलपी जो लैटरल और मीडियल है मिडल लोब का, वो चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा। आपको लर्न करना है सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर, और लोअर लोब में तो वही 5 सेगमेंट्स है स्मॉल वाले। तो इस तरह से अगर आपने नेमिंग कर दी है, टेबल फॉर्म में लिख लिया है ये सारे सेगमेंट्स कैसे, उनके क्या क्या नाम है, उसके बाद आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। डायग्राम में यही ब्रोंकियल ट्री का डायग्राम है जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में बताया था, कैसे ये ट्रेकिया डिवाइड करता है प्रिंसिपल ब्रोंकस में राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड। प्रिंसिपल ब्रोंकस फिर डिवाइड होता है इंटू 3 लोबार ब्रोंकस ऑन राइट एंड 2 लोबार ब्रोंकस ऑन लेफ्ट। ईच लोबार ब्रोंकस इज डिवाइडेड इंटू सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस ऑफ अपर लोब, ए फॉर अपाइकल, सेकेंड वाला पोस्टीरियर, थर्ड वाला एंटीरियर, मिडल लोब में लैटरल और मीडियल, और जो लोअर लोब है उसके 5 सेगमेंटल ब्रोंकस है, सुपीरियर सुपीरियर मीडियल एंटीरियर लैटरल एंड पोस्टीरियर। वही सेम आपको लेफ्ट लंग में भी प्रिंसिपल ब्रोंकस इंटू लोबार ब्रोंकस 2 लोब्स, और अपर लोब में 5 डिविजन्स है, एपाइकल पोस्टीरियर एंटीरियर सुपीरियर लेंगुलर इंफीरियर लेंगुलर, और लोअर लोब में वही स्मॉल है सुपीरियर मीडियल बेसल एंटीरियर बेसल लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो ये ब्रोंकियल ट्री ड्रॉ करना है। ब्रोंकियल ट्री ड्रॉ करने के बाद आपको ये कोस्टल सरफेस ऑफ लंग ड्रॉ करने हैं। कोस्टल सरफेस ऑफ लंग्स में आपको ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं उनको इस तरह से ड्रॉ करना है। आप इसको कलरफुल बना सकते हैं, अलग अलग कलर्स के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, प्लस उसमें आपको नंबरिंग करनी है। अब ये जो पहला था अपाइकल, इसका नाम अपाइकल क्यों है, क्योंकि ये ऊपर है अपेक्स पर है। तो फर्स्ट वाला इज अपाइकल सेगमेंट, सेकेंड इज पोस्टीरियर सेगमेंट, ये पोस्टीरियर है और ज्यादातर पीछे की तरफ है इसलिए दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट एंड दिस इज योर एंटीरियर सेगमेंट। तो ये अपर लोब हो गया, अपर लोब के ये 3 सेगमेंट्स हो गए। उसके लिए आपको ये वाई ड्रॉ करना है। वाई ड्रॉ करके आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इंटू 1, 2 एंड 3। फिर ये आपका मिडल लोब है, मिडल लोब जो है इसमें आपको ये एक लाइन बना देनी है इस तरह से, और डिवाइड कर देना है मीडियल साइड में मीडियल और लैटरल साइड में लैटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। और लास्ट में ये जो लोअर लोब है, लोअर लोब को आप इस तरह से डिवाइड कीजिए, एक ऐसी लाइन बनाइए और 2 लाइंस इस तरह से खड़ी बना दीजिए। तो इसमें ये वाला जो है सुपीरियर हो गया स्मॉल का एस और सुपीरियर, फिर मीडियल वाला जो है इस फिगर में नहीं देखता है क्योंकि वो मीडियल साइड ऑफ योर लंग, मीडियल सरफेस ऑफ योर लंग में हो जाता है। तो इसमें 7 नंबर आपको नहीं मिलेगा। और ये है आपका 8th एंटीरियर बेसल, 9th लैटरल बेसल एंड 10th पोस्टीरियर बेसल। उसी तरह से आपके लेफ्ट लंग में भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को आपको डिवाइड करना है। तो ये आपने डिफरेंसेस लिख लिए, नेमिंग डाल दिया राइट और लेफ्ट लंग की, आपने ये 2 डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए। तो अब हम इसकी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की थियरी पोर्शन देखेंगे। ये थियरी पोर्शन में हमको ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में क्या क्या लिखना है। तो पहला पॉइंट आएगा कि ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स आर नथिंग बट एनाटॉमिकल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल और सर्जिकल सेक्टर्स ऑफ योर लंग्स। तो जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स है वो क्या है, फंक्शनल एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल सेक्शंस ऑफ योर लंग। फंक्शनल क्यों, क्योंकि हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का अपना एक अलग ही फंक्शन है विथ इट्स ओन ब्रोंकियोल्स, और वो ब्रोंकियोल जो है इसको एरेट करता है तो वहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है, तो इसलिए वो उसका फंक्शनल हो गया। एनाटॉमिकल सेगमेंट क्यों हो गया, ताकि हम उसको डिवाइड कर पा रहे हैं एनाटॉमिकली, ये अपाइकल है लैटरल है मीडियल है। और सर्जिकल क्यों, बिकॉज सर्जन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स,
इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शंस, और जब इस को रिसेक्शन करना है, इस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को कट करना है, तो इजीली, क्योंकि लंग्स इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है थ्रू द फेशियाज और कनेक्टिव टिश्यूज, तो सर्जन्स इजीली एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को रिसेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर फंक्शनल एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल सेक्शंस ऑफ योर लंग्स। सेकेंड पॉइंट अगर इसमें डालते हैं तो ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज एरेटेड बाय अ सेगमेंटल ब्रोंकस। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की अपनी अपनी एक सेगमेंटल ब्रोंकस होती है जो एयर को लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड एयर को उस सेगमेंट में, और वहां पे गैस का एक्सचेंज होता है। तीसरी बात, ईच सेगमेंट इज पिरामिडल इन शेप। पिरामिडल मतलब ट्राइंगुलर शेप का होता है, पिरामिड का शेप होता है, और उसका जो अपेक्स होता है, सारे ही सेगमेंट्स के अपेक्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइलम। हाइलम हमने देखा था मीडियल सरफेस ऑफ लंग में, हमारा जो लंग है उसका जो मीडियल सरफेस है वहां पर हाइलम है। तो ये जितनी भी सेगमेंट्स है, 10 सेगमेंट्स जो है, फाइनली कहाँ कन्वर्ज हो रही है या उनका अपेक्स कहाँ पॉइंटेड है टुवर्ड्स द हाइलम। सो ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैज एन अपेक्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइलम और द रूट ऑफ द लंग। चौथा है, ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैज इट्स ओन सेगमेंटल ब्रोंकस, वन सेगमेंटल आर्टेरियोल, टू ऑटोनॉमिक नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। ये मैंने सेगमेंट्स ड्रॉ की है, ये एक सेगमेंट और ये दूसरी सेगमेंट, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। तो ईच ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट हैज इट्स ओन ब्रोंकस, ये हमारा हो गया येलो कलर का ब्रोंकस। तो सबके पास अपनी खुद की ब्रोंकस है, यहां पर भी येलो कलर का ब्रोंकस है। फिर सबकी खुद की आर्टरी है, सेगमेंटल आर्टरी। ये सेगमेंटल आर्टरी बेसिकली क्या है, हमारे हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे राइट हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी है, राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी ये लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है हमारे लंग्स में और बनती है सेगमेंटल आर्टीरियोल। मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी हर सेगमेंट में जाती है एज अ सेगमेंटल आर्टीरियोल। ये सेगमेंटल आर्टीरियोल फर्दर यहाँ पर कैपिलरीज में एंड होती है। ये जो कैपिलरीज है, ये यहाँ पे जो एल्वियोलाई है वहां पर ये कैपिलरीज होती है, ये कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में सिंगल मेम्ब्रेन होता है जहां पे गैस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन और ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन क्योंकि एल्वियोलाई में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो वहां से ये कैपिलरी में चला जाएगा, और कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला जाएगा, और वो एल्वियोलाई वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगी थ्रू एक्सपिरेशन। और इन कैपिलरी में अब आ गया है ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड अब चला जाएगा हमारा सेगमेंटल वेन्यूल में। ये पिंक कलर की जो मैंने बनाई है ये सारी वेन्यूल्स है, सेगमेंटल वेन्यूल्स। जो सेगमेंटल वेन्यूल्स आगे जाके यहाँ कैपिलरी के बाद आ जाएगी आपकी सेगमेंटल वेन्यूल्स, सेगमेंटल वेन्यूल्स आगे जाके आपकी पल्मोनरी वेन बनाएगी, पल्मोनरी वेन आपका लेफ्ट एट्रियम में हार्ट में खुलेगा जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी ब्लड बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट इज, ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैज अ सेगमेंटल ब्रोंकस, अ सेगमेंटल आर्टीरियोल विच इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड लंग एंड लिम्फैटिक वेसल्स।
पॉइंट इसमें हम डालेंगे सेगमेंटल वेन्यूल्स। अब ये जो सेगमेंटल वेन्यूल्स हैं, ये इस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर नहीं है। सेगमेंटल वेन्यूल्स कहाँ पर है? सेगमेंटल वेन्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, जो हमने इस फिगर में ड्रॉ किया था। इस तरह से लंग्स ड्रॉ किए थे और ये हमारा हमने बनाया था सेगमेंट्स। तो ये जो सेगमेंट्स है, ये सेपरेट हुए हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है और इन कनेक्टिव टिश्यू में रन करती है हमारी सेगमेंटल वेन्यूल, जो ब्रांच है पल्मोनरी वेन की। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सेगमेंटल वेन्यूल से वापस हमारा हार्ट की तरफ पहुंच जाता है। और ये जो वेसल्स है इसमें, ये ब्रोंकियल वेसल्स है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, जो लंग की खुद की वेसल्स है। लंग को भी अपना ऑक्सीजन चाहिए, अपना न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये वो वेसल्स है। लेकिन जो सेगमेंटल आर्टीरियोल और सेगमेंटल वेन्यूल जो है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये क्या करती है? ये लंग्स को सप्लाई नहीं करती है, ये हार्ट से ब्लड लेकर आती है, उसको ऑक्सीजनेट करती है और वापस हार्ट में पहुंचाती है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, और सिक्स्थ पॉइंट है इसका, जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है, क्योंकि वो इस तरह से डिवाइडेड है थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू, और इन डिविजन्स में, इन कनेक्टिव टिश्यू में आपकी पल्मोनरी या सेगमेंटल वेन्यूल्स है, तो सर्जन्स इसको इजीली रिसेक्ट कर पाते हैं, इस सेगमेंट को इजीली, बाय अप्रोचिंग द सेगमेंटल वेन्यूल्स। सेगमेंटल वेन्यूल्स को पकड़ के, सेगमेंटल वेन्यूल्स को फील करके, उसको वर्कआउट करके, उसको अप्रोच करके, वो सेगमेंट को अलग कर पाते हैं, सेगमेंट को लंग से रिमूव कर पाते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स आपको थियोरी में लिखना है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के इट इज़ अ फंक्शनल एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल यूनिट। ईच सेगमेंटल, ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैज़ अ ब्रोंको ब्रोंकियल और सेगमेंटल ब्रोंकस। ईच सेगमेंट इज पिरामिडल इन शेप विद अपेक्स टुवर्ड्स द रूट। ईच सेगमेंट हैज़ अ सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टीरियोल, नर्व एंड लिम्फेटिक्स। एंड फिफ्थ इज द सेगमेंटल वेन्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, बट इट इज प्रेजेंट इन द इंटर सेगमेंटल प्लेन्स। मतलब दो सेगमेंट्स के बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ये सेगमेंटल वेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। एंड सर्जन्स वर्क और रिसेक्ट द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बाय वर्किंग थ्रू द सेगमेंटल वेन्यूल्स। ये लिखने के बाद आपका यहाँ पर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कंप्लीट होता है। रिलेशंस लिख सकते हैं, रिलेशंस में जो सेगमेंटल आर्टीरियोल है या पल्मोनरी आर्टरी का रिलेशन बताना है, तो उसमें आपको ये बताना है कि द पल्मोनरी आर्टरी और द सेगमेंटल आर्टीरियोल अकम्पनीज द ब्रोंकस इन द सेगमेंट एंड इट लाइज डोर्सो लैटरल टू द ब्रोंकस। मतलब ये वाली जो सेगमेंटल आर्टीरियोल है, ये इसके पीछे और लैटरल साइड होती है ब्रोंकस के, ठीक है। एंड सेगमेंटल वेन्यूल की बात करें या पल्मोनरी वेन के रिलेशन की बात करें, तो पल्मोनरी वेन्स और सेगमेंटल वेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, दे आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज। एंड इसका रिलेशन देखें तो दे आर प्रेजेंट वेंट्रो मीडियल टू द ब्रोंकस, और वो भी कहाँ पर? एट द हाइलम, आगे और मीडियली प्लेस्ड होती है ब्रोंकस के एट द हाइलम। यहाँ पे आपका ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कंप्लीट होता है।